नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े आरोप राजद पर लगाए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, जदयू को कमजोर करने की साजिश हो रही है और इस साजिश के बीच जब उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं तब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसमें भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जदयू के नेताओं के ऊपर भी उपेंद्र कुशवाहा का निशाना था। इस पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं, तब नीतीश कुमार ने कहा कि उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं वही जाने, उन्हीं से पूछिए। जब वो दिल्ली से आकर हम पे बोल सकते हैं, अब उनसे हमको कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उन्होंने कहा कि उनसे अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा पर कहा है, आप देख लीजिए। सरकारी समारोह था, वहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जो उनका आवास था इसको भी बनाया गया है और यहीं पर कार्यक्रम भी आते हैं और अभी उनके गांव में हम जा रहे हैं। ये तो होता ही रहता है और आप तो जानते हैं कि कर्पूरी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को आगे बढ़ाने में और किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका थी, सब तरह से बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो उन्हीं को मानते ही हैं और उन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं। बहुत बड़ा काम सर, गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन फिर से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे किसी बात पर मत कुछ आजकल बोल रहे हैं, जो मर्जी बोले हमको कोई लेना देना नहीं। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कैसे साफ साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा से अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ भी बोलते रहे, वो उन्हीं से जाकर पूछिए। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जदयू से अब मोह भंग हो गया है, वो कभी भी जदयू छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ये लगातार कह रहे हैं कि जदयू कमज़ोर हो रही है, उसे मैं मजबूत करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जदयू के तरफ से आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर भी कार्यक्रम था, कल भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और दोनों जगहों से उन्हें किनारा कर दिया गया। तो किसके ऊपर उपेंद्र कुशवाहा का निशाना है यह आप भी समझ ही रहे होंगे। और उपेंद्र कुशवाहा अब जो है खुलकर जो है बैटिंग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।